वीडियो ऑन किया तुरंत ही वो नीचे आ गई। देखिए देखिए कपड़ा है ना, थोड़ा समेटो उसको, समेटो उसको इतना। ওদের কিছু না করলে কিচ্ছু করবে না। हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो। मैं हूँ तमालिका, वेलकम बैक टू माय चैनल, गुड मॉर्निंग। तो मैं किचन में आई हूँ मेरे चाय बनाने के लिए, और रेनी को मैं ब्रेकफास्ट दे दिया, संदीप भी ब्रेकफास्ट करके चला गया है। और आज का जो वीडियो है, मैं दो दिन का वीडियो एक साथ में दिखाऊँगी, और ये है पहले दिन का वीडियो जो मैं नेक्स्ट दिन के लिए सब कुछ प्रिपरेशन करूँगी। काफ़ी अच्छा लगेगा वीडियो देखने में, देखिए। और ये जो मैं अभी बना रही हूँ डिटॉक्स वाटर, जो हर समर में मैं बनाती हूँ, और इसमें मैं जिंजर दिया, पुदीना का पत्ता दिया, खीरा काट के दिया, और लेमन, आधा लेमन मैं काट के दिया। फिर इसको मैं थोड़ा सा आधा घंटे के लिए भिगोने के लिए छोड़ूंगी। फिर धीरे धीरे मैं और रेनी एक ही साथ दोनों, जब जब मन होगा पूरा दिन हम लोग, मैं और रेनी दोनों मिलके डिटॉक्स वाटर पियेंगे। जब भी पानी पीने का मन होगा तो हम डिटॉक्स वाटर ही पियेंगे। और रेनी का अभी ईस्टर का हॉलीडे चल रहा है, वो मेरे साथ बहुत मस्ती कर रही है आजकल, और वो धीरे धीरे मेरे पास आ रही है और कॉमेडी करके चली जा रही है। रेनी आज आधा पागल हो गई और फुल पागल होना बाकी है। छाता खोल रही है, बंद कर रही है, बाहर से घूम के आ जा। उसका जीवन इतना सुख भरा हो गया, मैं क्या बताऊं। सो रही है, उठ रही है, खा रही है, पढ़ भी रही हो, पढ़ रही है तो बाद में, पढ़ाई के लिए मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, वो तुम अच्छे ही हो, बट उतना उसका जीवन देख के मैं दुख में आ गई। इतना सुखी जीवन नहीं, हो गया नहीं, आपको पता नहीं है मैं कितनी टेंशन में हूं। अच्छा, इसलिए ऐसे वो सुखा है, सुखी जीवन। सारी सायनी जी रेडी है, चलो। ये अभी मैं बनाऊंगी, नूडल्स बनाऊंगी और चिली चिकन में बनाऊंगी, क्योंकि कल हम जाएंगे। और ये जो चिकन में डीप फ्रीजर में निकाल के बाहर रखी थी, अभी वो मेल्ट हो गया है आइस, तो मैं अभी बनाऊंगी क्या चिली चिकन के लिए, जो मैं काट के रखी थी वो है ये, देखिए ये जो धनिया पत्ता का जो डंठनिया होता है ना, वो है। और ये है चार कलर का कैप्सिकम, ये ऑनियन में छोटा छोटा पीस करके रखा, ये स्प्रिंग ऑनियन है, ये थोड़ा सा नींबू मैंने रखा, ये नींबू देंगे थोड़ा सा, और ये है ग्रीन चिली, अगर बाद में ज़रूरत पड़े तो मैं दूंगी। और मैं इधर नूडल्स बनाऊंगी, उसके लिए मैं इधर कैप्सिकम, थोड़ा सा गाजर में काट के रखा, थोड़ा सा मटर भी, ग्रीन पीस भी मैं ऐड करूंगी, ऑनियन काट के रख दिया था। और इसमें है कैबेज, और इसमें है गाजर, इसको मैं काट के रखा, थोड़ा सा मैं आलू भी दिया, क्योंकि हम बंगाली लोग नूडल्स में आलू खा लेते हैं। और मैं कैसे बनाऊंगी, क्योंकि कल ये टिफिन हम लोग जो जाएंगे क्यू गार्डन, वो उधर खाएंगे हम लोग लंच में, इसीलिए मैं लेके जा रही हूँ ये। और खुशी क्या लेके जाएगी, खुशी शायद सैंडविच लेके जाएगी, मैंने उसको बोला, उसका छोटी बच्ची है, उसको अभी वो कर नहीं पाएगी, तो बोला था वो करेगी, फिर भी मैंने उसको मना किया था। तो ये अभी बनाऊंगी नूडल्स, उसके बाद बनाऊंगी चिली चिकन, इसीलिए मैं बना रही हूँ, क्योंकि कल रात को हमारे घर पे सब आके एक साथ पार्टी करेंगे, पार्टी मतलब एक साथ खाना खाएंगे, तो इसीलिए मैं रात के चिली चिकन में बना के रख दे रही हूँ, और संदीप आके शायद बिरयानी बनाएगा। तो ये है प्रिपरेशन मेरा रेडी। अभी थोड़ा सा मैं आलू फ्राई करके रेनी को राइस के साथ दूंगी, वो घी के साथ राइस खाएगी, क्योंकि आज सुबह उसको बहुत हैवी ब्रेकफास्ट हो गया था। तो शायनी जी उधर कपड़ा है ना, थोड़ा समेटो उसको, समेटो उसको, इतना सूखे जीवन अच्छा नहीं है। तो नहा के फ्रेश होने के बाद पूजा भी हो गया था मेरा, उसके बाद मैं जो प्रिपरेशन दिखाया वो मैं पहले कट के गई थी, रेडी करके गई थी। और ये डिटॉक्स वाटर पीते पीते मैं काम करूँगी, और रेनी भी बीच बीच में आके डिटॉक्स वाटर पी रही थी।
और समर में हम लोग ऐसे ही पीते हैं, और जब बाहर भी जाते हूँ मेरे लिए एक डिटॉक्स वाटर का बॉटल है, मैं दूसरे कभी वीडियो में दिखाऊंगी, जब मैं बाहर जाती हूँ समर में तब वो साथ में लेके जाती हूँ। और डिटॉक्स वाटर पीना अच्छा होता है। और देखिए मैं अभी नूडल्स के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, पहले नूडल्स को बॉयल करके मैं रख दूँगी। तो आज लंच का कोई झमेला मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कल बाहर भी जाना है और रेनी ने बोला था कि आलू फ्राई कर दो घी के साथ खाएगी, तो इसीलिए उसके लिए मैं आलू फ्राई कर रही हूँ आज। और मैं थोड़ा सा सलाद खा लूँगी, फिर रात को देखेंगे क्या करूँगी। बट कल का प्रिपरेशन मुझे करना है, क्योंकि कल संदीप का छुट्टी है, तो एक साथ खुशी और हम एक साथ जाएंगे क्यू गार्डन घूमने। तो कभी कभी ना एक साथ घूमने भी मज़ा आता है, और मैं इसीलिए सब कुछ रेडी कर रही हूँ कि लेट करके ही थोड़ा कर रही हूँ कि टाइम भी कट जाएगा मेरा और खाना भी बन जाएगा। तो शाम 4 बजे तक मैं ऐसे ही थोड़ा सा रेडी करके मैं लेट से ही मैं किचन में आई थी, क्योंकि रोज़ मुझे इंडिया में भी वीडियो कॉल में मम्मी सिस्टर और सबसे बात करना होता है, तो वो सबसे पहले कर लिया था। दिन में तो बहुत बार होता है घर से वीडियो कॉल, फिर भी देखिए मैं इधर गर्म पानी चढ़ा दिया, उसमें सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल दे दिया। अभी मैं 2 पैकेट नूडल्स उसमें बॉयल करूँगी धीरे धीरे करके, पहले थोड़ा सा दूँगी उसके बाद थोड़ा सा दूँगी। तो रेनी के लिए जो आलू फ्राई किया था वो रेडी हो चुका है। अभी राइस को थोड़ा मैंने गरम कर लिया था माइक्रोवेव में, थोड़ा सा सॉल्ट दूंगी और उसमें घी ऐड करूंगी, मिर्ची मैं उसमें दे दूंगी थोड़ा सा स्पाइसी के लिए, क्योंकि आजकल वो थोड़ा सा स्पाइसी खाना शुरू कर दिया है। तो डेली मैं अच्छा अच्छा रेसिपी भी दिखाती हूँ, तो नॉर्मल खाना भी दिखाना चाहिए, क्योंकि हम लोग नॉर्मल खाना भी खाते हैं, डेली ऐसा खाना नहीं खाते हैं, तो ऐसा खाने से भी थोड़ा सा अच्छा लगता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। खा के कभी देखिएगा गरम राइस के साथ आलू फ्राई करके, तो रेनी का बहुत ही पसंदीदा खाने में से एक खाना है ये भी, तो उसको ऐसे में दे दिया। तो आज उसको सारा दिन मेरे साथ ही रेनी चिपक के खड़ी थी, और खाना भी आज उसको उधर ही खड़ा होके खाना है, तो अच्छा भी लगता है ना जब बच्चे साथ में रहते हैं, काम भी हो जाता है जल्दी से। और देखिए मैं बात करते करते रेनी के साथ भी मैं थोड़ा सा मजाक कर रही थी, और इधर नूडल्स भी मेरा हो गया है, बॉयल हो चुका है, तो जगह मेरा जो छेननी है वो थोड़ा सा छोटा पड़ गया था, फिर भी मैं एडजस्ट कर लिया था। अभी क्या करूँगी, उसको पानी झड़ने के लिए मैं रखूँगी और ठंडा पानी ऊपर से दूँगी, नहीं तो नीचे से जो गर्म है ना वो पूरा एकदम चिपक जाएगा, तो ऐसे करके मैं ठंडा पानी उसमें देती जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं नूडल्स को बना लूँगी, और अभी भी मैं चिकन को मैरिनेशन नहीं किया था, तो 2 अंडा मैं फेंट के उसको भुजिया टाइप का एक बना लूँगी सबसे पहले, और बीच में देखिए मैं डिटॉक्स वाटर पीते जा रही हूँ। और कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है, उसमें मैं रिफाइंड ऑयल दे दिया, थोड़ा सा एग को फ्राई कर लेंगे। तो एक फ्राई होने के बाद एक को उठा लेंगे, देखिए ऑलमोस्ट हो गया है, अभी इसको मैं उठा लिया था। उसके बाद उसी कढ़ाई में मैं फिर से थोड़ा सा ऑयल दे दिया, फिर मैं ऑयल गर्म होने के बाद, कढ़ाई तो गर्म था तो जल्दी गर्म ऑयल भी गर्म हो गया था, ऑनियन जो मैं काट के रखी थी उस ऑनियन को थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन करना है, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ऐड करूँगी मैं। पहले भी मैं दिखाई थी बट इस टाइप से नहीं दिखाई थी, थोड़ा सा डिफरेंट था उसमें, थोड़ा सा वेजिटेबल्स भी आप जितना चाहो आप ऐड कर सकते हो, तो मैं जितना भी वेजिटेबल्स उधर काट के रखी थी सब भी मैं एक साथ ऐड कर दिया, थोड़ा सा इस वेजिटेबल्स को थोड़ा सा नरम होना है उसके लिए मैं सॉल्ट ऐड कर दिया, और अभी उसमें कैबेज दिया है, थोड़ा सा पानी भी छोड़ना शुरू करेगा, तो अभी दिया मैंने चाइनीज़ सॉल्ट जो जिसको अजिनोमोटो भी बोला जाता है,
और मैंने दिया 1 टीस्पून से ऊपर 1.5 टीस्पून तक मैंने दिया ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून से भी कम मैंने दिया है उधर रेड चिली पाउडर, और जो कैप्सिकम वगैरह ये सब मैं काट के रखी थी वो भी मैंने इसमें दे दिया। देखिए वेजिटेबल्स काफ़ी सॉफ्ट हो चुका था उसके बाद मैंने कैप्सिकम को दिया है, पहले मैंने कैप्सिकम नहीं दिया। रेनी कहाँ सो रही थी हमें पता है? रेनी बोल रही है मैं खाना और सोना ही है, अभी ईस्टर हॉलीडे उसका चालू है ना, तो बोला मम्मी मुझे खाना है और सोना है तो मैं टेबल पे ही सो जाती हूँ। जैसे मैं वीडियो ऑन किया तुरंत ही वो नीचे आ गई। देखिए कौन बोलेगा ये 17 ईयर्स होने वाली है, हैं? हैं? मांटू ये टेबल ना टूट जाएगी, नीचे उतर जा। तू बहुत हल्की है मेरी तरह। अच्छा है। हाँ ये देखिए संदीप को किसी ने हैदराबाद से आज ये पीकल है ना आम का पीकल भेजा है, और ये जो कांच का कंटेनर है मैं प्राइमार्क से लेके आई हूँ, 450 लिया है इसका प्राइस, और ये जो पिकल है ये हैदराबाद से आया है। मैं बहुत खुश हो गई हूँ क्योंकि मैं हैदराबाद से हूँ, बेसिकली मैं कोलकाता से हूँ बट मेरा शादी के बाद तो मैं हैदराबाद में ही थी। तो देखिए ये ऑलमोस्ट ये थोड़ा सा पक जाएगा उसके बाद इसमें मैं नूडल्स ऐड करूँगी, और ये बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरह के सर्विस करोगे। मैंने पहले भी दिखाई थी, फिर भी मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वाला वीडियो का भी लिंक दे दूंगी, और आज भी मैं थोड़ा सा दिखाया तो आपको पता चल जाएगा आज का वीडियो में ये कैसे मैं बनाई। तो ये वेजिटेबल्स थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए होने के बाद मैं नूडल्स धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ, एक साथ मैं सब नहीं दूंगी क्योंकि धीरे धीरे मैं दूंगी उसके बाद मिक्सिंग करते जाऊंगी। सभी ऑलमोस्ट मसाला मैंने ऐड कर दिया है और इसमें खाली सोया सॉस डालना बाकी था, सोया सॉस मैंने डाल दिया। अपने हिसाब से सोया सॉस डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ऊपर से फिर से थोड़ा सा मैं ब्लैक पेपर पाउडर डाला, और दिया है मैंने वो सेजवान सॉस, ये मेरे पास थोड़ा सा ही था, मैं 1 टीस्पून तक हो गया था काफ़ी, क्योंकि थोड़ा सा ही में ही हो जाएगा क्योंकि स्पाइसी होता है ना, तो बच्चे भी खाएगा तो इसीलिए मैंने ज़्यादा नहीं दिया था, थोड़ा 1 टीस्पून मैंने ऐड किया था, फिर एग को भी ऐड कर दिया, फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसको, बस हो जाएगा। ऐसे बना के देखिएगा कभी भी, बहुत ही टेस्टी बनता है। वेजिटेबल्स जो भी आपका पसंद है आप वो वेजिटेबल्स डाल सकते हो। और ये थोड़ा सा नूडल्स बच गया है, मतलब ज्यादा हो जाएगा तो इसीलिए मैं इसको अभी एक एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख दूंगी, तो 3-4 दिन आराम से रह जाएगा। तो इधर देखिए मैं नूडल्स ठंडा करने के लिए रख दिया, बाद में मैं जो यूज एंड थ्रो टिफिन बॉक्स आता है उसमें 3-4 बॉक्स में मैं डिवाइड करके ले लूँगी, क्योंकि बच्चे भी है और शान भी खाएगा तो इसीलिए मैं ज़्यादा उसमें स्पाइसी नहीं दिया। और इधर थोड़ा सा किचन में साफ करके फिर चिकन को मैरिनेट करूँगी, उसके बाद मैं इवनिंग को फिर ये बनाऊँगी, तब तक थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी, उसके बाद दिखाऊँगी। बट अभी थोड़ा सा मैं तो ये चिकन को सबसे पहले धो लूँगी, उसके बाद मैं इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दूँगी। तो मैं थोड़ा सा धो लेती हूँ बाहर से, जब भी कुछ भी मैं मटन चिकन लाती हूँ तो मैं एक बार वॉश ज़रूर कर लेती हूँ, और अभी चिकन धोया ना तो इसीलिए सिंक को भी थोड़ा सा मैं धो लूँगी अच्छे से, क्योंकि अब सबको पता है जब भी मैं सिंक में कुछ ना कुछ करती हूँ तो एक बार मैं ज़रूर उसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और चिकन धोया है थोड़ा सा स्मेल आएगा बोल के मैं फिर से एक बार सिंक को भी साफ कर लिया। चिकन में से पानी अच्छे से झड़ा लिया था, उसके बाद मैंने एक अंडा डाला, सोया सॉस 1 टीस्पून से ज़्यादा 1.5 टीस्पून डाला, चाइनीज़ सॉल्ट थोड़ा सा मैंने डाला, ब्लैक पेपर पाउडर 1.5 टीस्पून डाला,
1 टीस्पून तक मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला और सॉल्ट अपने हिसाब से डाला। सॉल्ट अपने हिसाब से डालिएगा, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा तो खा नहीं पाओगे। तो इसको अच्छे से पहले मिला लेंगे, उसके बाद कॉर्नफ्लावर और मैं मैदा ऐड करूँगी। तो मैदा में वो जो कप है, हाफ कप तक मैंने मैदा ऐड किया था और एक कप तक मैंने कॉर्नफ्लावर मैंने ऐड किया। फिर अच्छे से मिला लेंगे उसको, फिर इसको मैरिनेट करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो ये सब काम करते करते 4 बज गया था, तो थोड़ा सा रेस्ट भी करना है। और फिर मैं सोचा कि किचन को भी साफ़ कर लेंगे, क्योंकि ऐसे किचन को छोड़ के तो मैं कभी चैन से मैं बैठ भी नहीं सकती। तो अभी अच्छे से किचन को भी क्लीन कर लिया, उसके बाद इवनिंग आके फिर से बनाऊंगी चिली चिकन। फिर कल का भी वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो देखिए, बने रहिए वीडियो में, वीडियो अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो दोस्तों, अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो मेरे नए नए व्यूअर्स हो, उन सभी को मैं बोलना चाहती हूँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, आप सबके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। और इवनिंग में हो गया है, मैं किचन में फिर से आ गई हूँ, अभी बनाऊँगी मैं चिली चिकन। तो बने रहिए वीडियो में। तो चिकन जो मैं फ्रिज में रखी थी वो मैं निकाल लिया अभी। और कढ़ाई को मैं अच्छे से गरम कर लिया था, उसके बाद ऑयल भी काफ़ी सारा डाल दिया, क्योंकि इसमें मुझे चिकन फ्राई कर लेना है। पहले चिकन को हाफ फ्राई करेंगे, उसके बाद जब पूरा चिकन हो जाएगा उसके बाद सब चिकन एक साथ फ्राई कर लेंगे। तो धीरे धीरे ऐसे ही मैं एक एक करके छोड़ती जाऊंगी और हाफ फ्राई करके उठा लूंगी पहले। तो देखिए, चिकन को हाफ फ्राई करके मैं उठा के साइड में रख रही हूँ और सब चिकन को एक साथ फिर से मैं फ्राई कर रही हूँ। पूरा चिकन मेरा फ्राई हो गया है। और ये जो मेरा चिकन है, ये एक किलो तक चिकन था, बोनलेस चिकन मैंने किया था। और जो बाकी बचा हुआ ऑयल, बहुत ज़्यादा मैंने ऑयल डाला था क्योंकि फ्राई करने के लिए, उस ऑयल को मैं फेंकती नहीं हूँ। तो अभी एकदम फ्रेश ऑयल था बोल के मैं इसको छेनी से छान के इसी कंटेनर में मैं रख देती हूँ। काफ़ी जब मैं कोई फिश बनाऊँगी या कुछ भी बनाऊँगी चिकन का आइटम, तो उस ऑयल से मैं खाना पका लूँगी। तो देखिए, मैं इसको साइड कर दिया, थोड़ा बहुत ऑयल मैंने रखा कि बाकी जो प्रिपरेशन करूँगी उसी ऑयल से मैं करूँगी। तो ये है पूरा जो मैं काट के रख दिया था सुबह। सबसे पहले मैंने इसमें ऑनियन को डाला, और आप पीस बड़ा कर सकते हो क्योंकि मैं छोटा छोटा किया, मुझे ऐसे अच्छा लगता है चिली चिकन में डालने में। तो सबसे पहले ऑनियन को थोड़ा सा हल्का नरम कर लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे मैं सब कुछ ऐड करूँगी। और उसके बाद मैंने जो भी चिली में काट के रखी थी वो सब चिली दे दिया। 1 टीस्पून तक मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने दिया, फिर अच्छे से मिला लेंगे उसको। सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से दीजिएगा, फिर अच्छे से मिला लेंगे उसको। फिर मैं जो भी कैप्सिकम काट के रखी थी, पूरा कैप्सिकम 4 कलर का जो कैप्सिकम काटी थी, सब कुछ दे दिया उसमें। फिर थोड़ा सा नरम कर लेंगे उसको। चाइनीज़ सॉल्ट मैंने दिया है थोड़ा सा, 1/2 टीस्पून तक। 1 टीस्पून तक मैंने दिया है पेपर पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने दिया है रेड चिली पाउडर। फिर अच्छे से मिला लेंगे उसको। सोया सॉस मैंने डाल दिया 1.5 टीस्पून तक। ऐसे करके बनाइएगा, अच्छा लगेगा। अभी तो सभी अच्छे से बना सकते हैं सब कुछ, फिर भी मैं मेरा टेक्निक आपके साथ शेयर किया। और मैं अभी गर्म पानी उसमें ऐड किया अपने हिसाब से, क्योंकि 1 किलो चिकन में थोड़ा सा ग्रेवी रहेगा, तो मैं एकदम ड्राई नहीं बनाऊंगी। चिली सॉस मैंने डाला 1.5 टीस्पून तक, हॉट चिली सॉस है ये। और जो भी चिकन मैंने फ्राई करके रखी थी सब चिकन मैं इसमें डाल दिया। तो सेजवान सॉस भी मुझे ऐड करना था, थोड़ा सा ही सेजवान सॉस उसमें था, थोड़ा सा पानी मिला के मैं उसमें दे दिया, क्योंकि चिली चिकन थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है। स्प्रिंग ऑनियन मैं ऊपर से दे दिया,
अच्छे से मिला लूँगी मैं। और थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन मैंने रख दिया और जो धनिया पत्ता का डंठनिया होता है वो मैंने उसमें थोड़ा सा मिला लिया। अच्छे से मिला लेंगे और देखिए पानी अभी तक है, थोड़ा सा पानी सुखाऊंगी मैं। उसमें मैं कॉर्नफ्लावर में पानी में घूट के रखा है उसको अभी ऊपर से दे दूंगी तो तुरंत ही वो एकदम ड्राई हो जाएगा। और उसमें मैं थोड़ा सा शुगर भी ऐड किया था 1.5 टीस्पून तक, क्योंकि थोड़ा सा मीठा मीठा भी लगना चाहिए चिली चिकन में। और देखिए मैं सब काम होने के बाद रात को मैं रेनी को बोला कि मेरा हाथ पे नेल पॉलिश लगा दे, क्योंकि कल के लिए भी जाना था तो प्रिपरेशन कर रही थी और रेनी भी उसका स्किन रूटीन भी कर रही थी उसका भी व्लॉग में। तो सुबह हो गई है, 9 बज गया है और इधर देखिए मैं सब कुछ एकदम अलग अलग से टिफ़िन बॉक्स में ले लिया, तो मिलते हैं बाद में। हम हो गए रेडी और हम सब मिलके जा रहे हैं अभी। संदीप भी रेडी हो गया है और संदीप अभी टीवी देख रहा है। रेनी को रेनी व्लॉग बना रही है रेनी का, तो देखिए रेनी को, रेनी कोरियन टाइप का कोट खरीद के लेके आई थी उस दिन। और पीछे BTS का बैग है तो हम लोग सब ले लिया है, इसमें है खाना और इधर बैठेंगे थोड़ा सा वो लिया है। ब्लेस यू। और मैंने ब्लैक कलर का पहनी हूँ, ये देखिए ये मेरा है लुक। और नीचे मैं सॉक्स पहनी हूँ, जो लंबा सॉक्स आता है, तो यही है आज का मेरा ड्रेस। तो मिलते हैं बाहर, 11 बज गया है। तो हम लोग पहुंच गए हैं और हम लोग आए हैं बस पे। तो बस पे वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, तो हमारे घर के सामने से एकदम बस क्यू गार्डन तक आता है, तो हम आ गए थे बस पे ही। और इधर पूछू भी सोई नहीं थी, वो जगी थी, वो भी बहुत एक्साइटेड है। और इधर रेनी को देखिए और पीछे मैं आ रही हूँ। और ये है क्यू गार्डन, तो ये क्यू गार्डन का जो एंट्रेंस है हम लोग अंदर जा रहे हैं। बाकी सब आप देखते रहिए, अच्छा लगेगा। फिर इधर से निकल के हम घर पर जाने वाले हैं। तो घुसते ही मैं पहली बार आई हूँ लंदन में, इतने सालों से मैं हूँ, कभी क्यू गार्डन नहीं आया, ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा। और ये मैप दिया है तो मैप देख के हम लोग सब घूमेंगे। खुशी काफ़ी बार इधर आ चुकी है तो वही हम लोगों को अंदर घुमा रही थी। और रेनी भी बहुत खुश है और मैं बहुत नेचर लवर हूँ तो मुझे बहुत ही अंदर से खुश महसूस हो रही थी। और आप लोग देख भी पाओगे। और इधर पूछू भी खेल रही थी, देखिए। और क्यू गार्डन बहुत ही बड़ा है और हम लोग घूमते घूमते थक गए थे तो फास्ट खाना शुरू हो गया है। बैठ के खुशी सैंडविच लेके आई थी तो हम लोग खा रहे थे। और देखिए इधर कितना अच्छा लग रहा था, डॉग भी आ गया था और हमारे पास खाना ढूंढ रहा था, बट हमारे पास नहीं था उसको देने के लिए खाना। तो हम लोग देखिए अभी फ़ोटो वोटो उठा रहे थे। बहुत ही सुंदर जगह है। इस गार्डन का पूरा नाम है क्यू बोटानिकल गार्डन इन लंदन। और हमारा जो सेकेंड खाने का जो टाइम है, वो जो मैं नूडल्स बनाई थी वो भी हमारा खाना हो गया था। ऐसे देखते देखते हम लोग बहुत ही घूमे, बहुत अंदर तक गए। और ये जगह देख के मुझे लगा कि मैं कोरिया या जापान या चाइना कहीं पे भी आ गई हूँ, थोड़ा सा मन को अंदर से खुश कर लिया था। तो घर जाने का टाइम हो गया है, इधर से घूम के हम सीधा चले जाएँगे घर। तो हम लोग घर भी पहुंच गए थे और घर आने के बाद हम लोग थोड़ा सा सेलिब्रेट कर रहे थे। तो अनिर्बन लाया था ये शैंपेन का बॉटल, क्योंकि संदीप का सिटीजनशिप सेरेमनी जिस दिन हुआ था उस दिन तो खुशी आए थे, अनिर्बन का छुट्टी नहीं था बोल के आज फिर से हम लोग थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लिया था। इधर मोमो भी रेडी हो गया था, रात को संदीप बिरयानी बनाया था। तो दोस्तों आज का वीडियो हम इधर ही एंड करती हूँ। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।